तो हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सिंहगढ़ कॉलेज के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, पुणे में सिंहगढ़ के बहुत सारे कैंपस है, तो आज के समय वड़गांव के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी वड़गांव में यहाँ पे तीन इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक ही कैंपस में तीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक आपका सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, एक आपका काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, और एक आपका एनबीएन अकेडमी है। तो आज की इस वीडियो में सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट 1996 में हुआ था, तो लगभग आज से इस कॉलेज को यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे 28 ईयर्स हो चुके हैं। अब हम इंस्टीट्यूट नेम के बारे में बात करेंगे, तो हमारे कॉलेज का जो पूरा नाम है सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। अब हम कॉलेज के लोकेशन के बारे में बात करेंगे, तो कॉलेज हमारा सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ सिंहगढ़ रोड, वड़गांव, बीके, पुणे 411041 में आ जाता है। अब हम कॉलेज के स्टेटस के बारे में बात करेंगे, तो कॉलेज हमारा प्राइवेट नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है। कॉलेज हमारा अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली की तरफ से, रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, एंड अफिलेटेड बाय सावित्री बाई फुले पुणे सिटी की तरफ से। और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ए ग्रेड मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है, cms.sihangarh.education। तो इस वेबसाइट पर अगर आप यहाँ पे जाओगे, तो जितने भी सिंहगढ़ के कैंपस है, आपको सारे कैंपस यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। और हमारा कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट हमारा पुणे है, जो कि यहाँ पे 18 किलोमीटर की दूरी पे है। कॉलेज से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमारा पुणे, जो कि 13 किलोमीटर की दूरी पे। कॉलेज से नियरेस्ट बस स्टैंड हमारा कातराज है, जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। कॉलेज का DTE कोड 6177 है, जिसे हम इंस्टीट्यूट या कॉलेज कोड भी कहते हैं। अब हम कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, तो कॉलेज हमें BE की डिग्री प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, BE में हमें यहाँ पे टोटल 8 ब्रांचेस यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, और साथ में यहाँ पे हर एक का इंटेक कैपेसिटी मेंशन किया गया है। कॉलेज का जो इंटेक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब क्राउड इस कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मान लो हर इवेंट में यहाँ पे 10,000 से 15,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि तीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, बाकी आपका आर्किटेक्चर है, मतलब बहुत सारे कॉलेज है एक ही कैंपस में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने मिल जाता है, इसमें 270 की कैपेसिटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 240 की कैपेसिटी है। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 180 की कैपेसिटी है। केमिकल में यहाँ पे 60 की कैपेसिटी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे 120 की कैपेसिटी है। रिप्रोडक्शन में यहाँ पे 30 की कैपेसिटी है। सिविल में यहाँ पे 180 की कैपेसिटी है। और बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे आपकी 60 की कैपेसिटी है। तो आप इस कॉलेज में BE के बाद ME भी कर सकते हो। ME में यहाँ पे आपको 6 ब्रांचेस देखने मिल जाती है। आपका डिजाइन इंजीनियरिंग हो गया, बाद में आपका इन्वायरमेंटल हो गया, बाद में आपका VLSI एम्बेडेड सिस्टम हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, बाद में आपका MBA भी आप इस कॉलेज में कर सकते हो। जैसे कि आप इंटेक कैपेसिटी देख सकते हो, हर एक का यहाँ पे 18 18 का, MBA का यहाँ पे आपका 60 का कैपेसिटी है। तो यहाँ पे हमें सिंहगढ़ कैंपस के थोड़े फोटोज वगैरह दिए गए, जैसे कि आप पता लगा सकते हो कैंपस वगैरह कैसा है इस कॉलेज का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम कॉलेज के कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें लास्ट ईयर का यहाँ पे MSc CTE एंड JEE मेंस का कट ऑफ दिया गया है। तो टोटल हम यहाँ पे 11 कैटेगरी का कट ऑफ देखने वाले हैं। तो 5 यहाँ पे मेंशन है, बाकी जो यहाँ पे 6 है और नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने मिल जाएगी, जो कि हमारे रिजर्व कैटेगरी है, SC ST हो गया, NT1 हो गया, NT2 हो गया, NT3 हो गया, बाद में आपका VJTT हो गया। और उससे पहले हम यहाँ पे ओपन OBC EWS TWS से JEE मेंस का यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, तो लेफ्ट कॉर्नर में आपकी सभी ब्रांच यहाँ पे मेंशन की गई है। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, फिर IT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, केमिकल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, बाद में आपका मैकेनिकल हो गया। H का मतलब होता है होम यूनिवर्सिटी, O का मतलब होता है अदर देन होम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में सीट डिवाइड होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक आपका होम यूनिवर्सिटी के लिए, दूसरा आपका अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए। मतलब आपका पुणे सिटी के बाहर से आपका अगर 12th बोर्ड हुआ है, मतलब जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी से हो गया, अमरावती से हो गया, या फिर नागपुर यूनिवर्सिटी से हो गया, तो अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हो पुणे में आके, तो आप यहाँ पे अदर देन होम सिटी का कट ऑफ देखोगे। अगर आपका यहाँ पे 12th बोर्ड यहाँ पे पुणे सिटी से ही हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका होम सिटी का कट ऑफ लगेगा। तो पुणे सिटी के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जिले आ जाते हैं, साथ में आपका पुणे आ जाता है, नासिक वाले भी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो EWS है, TWS है, ये हमारी स्टेट लेवल की सीट होती है। तो पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पे कोई भी एडमिशन ले सकता है यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे जो JEE मेंस की सीट है, ये हमारी ऑल इंडिया सीट है, यहाँ पे पूरे इंडिया का कोई भी आके एडमिशन ले सकता है। और EWS और TWS में पूरे महाराष्ट्र का कोई भी एडमिशन ले सकता है। बाद में ओपन OBC ST ST है, जो रिजर्व कैटेगरी है, इनमें सिर्फ यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक आपका होम यूनिवर्सिटी, दूसरा आपका अदर देन होम यूनिवर्सिटी। तो होम यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, और अदर देन वाले यहाँ पे अदर देन का यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का ओपन का यहाँ पे देख सकते हो 39% लिया था। अगर आप पुणे से रहते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 40% आपका कट ऑफ गया है। अगर वही आप अदर देन रहते हो, तो आपका 90% यहाँ पे कट ऑफ गया है। सेम उसी तरह आप सिविल इंजीनियरिंग का देख सकते हो, सीट यहाँ पे वैकेंट है, मतलब यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट वगैरह नहीं है कोर ब्रांचेस को, इसलिए यहाँ पे पूरी सीट खाली है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिविल में पूरी सीट खाली है, आपका प्रोडक्शन में पूरी सीट खाली है, मैकेनिकल में भी यहाँ पे पूरी सीट खाली है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल में भी उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोर के लिए जाना चाहते हो इस कॉलेज में, तो प्लीज़ मत जाना,
बाद में CSIT को बस यहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है, मैकेनिकल और सिविल इलेक्ट्रिकल जितने मतलब कोर ब्रांचेस है इस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है अच्छा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा कंप्यूटर का यहाँ पे कट ऑफ है 95% डाल गया है, OBC का यहाँ पे 94% डाल गया है, EWS का देखोगे तो 94% आयल है, TEWS का 96% आयल है और JEE मेंस का यहाँ पे 90% आयल है। IT का अगर यहाँ पे कट ऑफ आप देखोगे तो अदर देन का यहाँ पे 94% आयल है और होम इंस्टीट्यूट का यहाँ पे 92% आयल है। तो आप यहीं पे देख सकते हो आपको 2% आयल का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने मिल जाता है। सेम उसी तरह OBC का यहाँ पे 94.32% आयल है और IT का यहाँ पे 92% आयल है, EWS का 93% आयल है, TEWS का 94% आयल है और JEE मेंस का यहाँ पे 89.50% आयल कट ऑफ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का देखोगे तो ओपन का यहाँ पे 88% आयल है, OBC का 88% आयल है, EWS का 86% आयल है, TEWS का 89% आयल है, JEE मेंस का यहाँ पे 81% आयल है। केमिकल का भी आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब कट ऑफ वगैरह कम ही है, बाद में प्रोडक्शन की तो पूरी सीट खाली है यहाँ पे। मैकेनिकल का भी आप यहाँ पे देखोगे तो मतलब कम ही कट ऑफ है आपका 50% आयल के नीचे और यहाँ पे सीट भी खाली है। तो उसका जो हमारी बची हुई रिजर्व कैटेगरी है उनका भी आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पे पूरी सीट खाली है, सिविल इंजीनियरिंग की पूरी सीट यहाँ पे खाली है, कंप्यूटर का आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो हर एक कैटेगरी के हिसाब से तो आपका 80 से लेकर 90% आयल के आसपास है। ST का यहाँ पे आप देख सकते हो 92% आयल है, ST का 71% आयल है, VJT का यहाँ पे 92% आयल है, NT1 का 94 है, NT2 का यहाँ पे 94 है। बाकी अगर आप IT का भी देखोगे तो यहाँ पे ST कैटेगरी यहाँ पे 91% आयल है, ST का यहाँ पे 56% आयल है, बाकी VJT का यहाँ पे आप देख सकते हो 91.68% आयल है। बाद में आप देख सकते हो VJT का यहाँ पे 78% आयल है, NT1 का 86 है, NT2 का यहाँ पे 92 और NT3 का यहाँ पे 91 है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लेते हो तो उसका भी आप देख सकते हो कट ऑफ थोड़ा कम है, केमिकल की पूरी सीट खाली है, प्रोडक्शन की पूरी सीट खाली है, मैकेनिकल की भी यहाँ पे पूरी सीट खाली है। सीट इसीलिए खाली है इस कॉलेज में क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है कोर ब्रांच का, बाकी CSIT का थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है। उसके बाद हम कॉलेज की फीस देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमें फर्स्ट ईयर की यहाँ पे फीस दी गई है, डायरेक्ट सेकंड ईयर की दी गई है, MBA की दी गई है और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की यहाँ पे हमें फीस दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की यहाँ पे फीस देखने वाले हैं तो ओपन की जो फीस है 1,38,000 यहाँ पे दी गई है, OBC EWS और EBC की फीस यहाँ पे 82,000 दी गई है। बाद में आपका ST कैटेगरी का आप यहाँ पे अगर फीस देखोगे तो आपका 11,000 दिया गया है। बाद में ST VJDT हो गया, NTA NTB NTC NTD SBC और TEWS की जो फीस है यहाँ पे 27,000 दिया गया है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हो तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन का 1,36,000 यहाँ पे फीस आपका दिया गया है, MBA के लिए यहाँ पे 1,48,000 दिया गया है और मास्टर का यहाँ पे 1,03,000 यहाँ पे फीस दिया गया है। अब कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज के कैंपस में आपको बहुत सारे हॉस्टल देखने मिल जाएंगे क्योंकि कॉलेज का कैंपस ही काफ़ी बड़ा है। तो हम कॉलेज के हॉस्टल की फीस यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे 75,000 दिया गया है उसमें आपका मेस भी इंक्लूड है, साथ में हॉस्टल का चार्जेस भी है। बाद में 61,000 में आपका हॉस्टल का चार्ज है लेकिन यहाँ पे मेस इंक्लूड नहीं है। तो कैपेसिटी तो इस कॉलेज में बहुत है, आप आराम से इस कॉलेज में हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हो। बाजू में कॉलेज के आसपास आप PG वगैरह या फ्लैट वगैरह में भी रह सकते हो जिसका रेंट आपका 10 से 12,000 के आसपास आएगा, मतलब अगर 4 लोग भी रहोगे तो पर पर्सन आपका 2,500 से 3,000 के आसपास आ जाएगा। अब हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एकेडमिक ईयर के हिसाब से हर साल इस कॉलेज में कितनी कंपनी आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल हमें यहाँ पे 6 साल का यहाँ पे डेटा दिया गया है, तो लास्ट ईयर का तो डेटा यहाँ पे नहीं मिला है तो उसके पहले का हम यहाँ पे देख लेते हैं जिसके थ्रू हमें एक आइडिया आ जाएगा कि इस कॉलेज में कितनी कंपनी आती है। तो यहाँ पे 17 में देखोगे तो 179 कंपनी आई थी, 18 में 166 कंपनी आई थी, 19 में यहाँ पे 182 कंपनी आई थी, 20 में यहाँ पे 139 कंपनी आई थी, 21 में 172 कंपनी आई थी और 2022 में यहाँ पे 125 कंपनी आई थी। तो मान के चलो आपका इस कॉलेज में 100+ कंपनी आती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट वाइज मतलब हर एक ब्रांच में कितना परसेंट यहाँ पे बच्चों का प्लेसमेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पे 2022 में यहाँ पे 98% बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था। फिर आप देख सकते हो कंप्यूटर में यहाँ पे 2022 में 98.48% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। IT में यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 में 98.45% यहाँ पे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। तो एवरेज मान के चलो आपका 90% यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है। तो बाद में अगर आप यहाँ पे मैकेनिकल का देखोगे तो 2021 में यहाँ पे 38% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था और बाद में 2022 में आपका 91% यहाँ पे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। फिर उसके बाद आप सिविल इंजीनियरिंग का देख सकते हो 2022 में यहाँ पे 90% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। फिर प्रोडक्शन में यहाँ पे 90% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। केमिकल में यहाँ पे आप देख सकते हो 85% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था और बायोटेक में यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 में 37% यहाँ पे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। फिर आप यहाँ पे अगर एवरेज निकालोगे मैकेनिकल और सिविल का तो आपका 70 से लेकर 80% मान लो बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। बाद में आप देखोगे बायोटेक का, प्रोडक्शन का, केमिकल का, तो इनका मान लो 50% प्लेसमेंट तो हो ही जाता है। तो
अगर आप ओवरऑल देखोगे तो काफी अच्छा कॉलेज है, आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बाकी सभी सिंहगढ़ कॉलेज से आप कंपेयर करोगे तो ये वाला कॉलेज हमारा सबसे अच्छा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज का कैंपस काफी बड़ा, मतलब सिंहगढ़ के जितने भी कॉलेज है, तो एक सिंहगढ़ का कैंपस हमारा लोनावला में है तो उसका कैंपस भी काफी बड़ा है। फिर सेकंड आपका ये वाला वड़गांव में, इसका कैंपस भी काफी बड़ा है। मतलब एक ही कैंपस में आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेजेस, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस साथ में ही देखने मिल जाते हैं। कैंपस काफी बड़ा है इस कॉलेज का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस कॉलेज का प्लेसमेंट ठीक ठाक है। मतलब अगर आप कोर के लिए जाते हो तो आपको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, इससे अच्छा आप कोई भी टॉप कॉलेज में अप्लाई करो कोर ब्रांच के लिए। बाकी आप यहाँ पे CSIT और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको अभी कुछ भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और नेक्स्ट आपको कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।